बहरहाल चले नीचे एक बार फिर से ये गेंद पर फुट पाया, चक्कर दिया, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, आउटफील्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी अवश्य है, लेकिन गेंद खिलाड़ी रोकने में नाकामयाब रहे और गेंद सीधे चंद्राते हुए सीमा रेखा के बाहर। चार रनों के लिए तो चौके से खाता खुलता हुआ आपका, टोटल स्कोर चार रन बगैर किसी नुकसान के, उनके लिए भी अच्छा गेंदबाज के लिए भी अच्छा। देखने के लिए जा रहे हैं गेंद और छक्के का इशारा आता हुआ एम्पायर रवि मिश्र का, शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन। ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस विशेष गेंद को लॉस कर दिया है और गेंद सीधे व्हाइट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक। ओवर दूसरे ओवर की समाप्ति हो गई, दो ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 19 रन बगैर किसी नुकसान के, तो कहना होगा कि बेहद ही ठोस और मजबूत शुरुआत यहां पे दोनों ही दिलाते हैं। नितिन चले ये गेंद और यहां पर खतरा होगा और इसी के साथ अनाउंस आउट हो गए। बैट पे जाके कट करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, दरअसल गेंद ने बल्ले का टॉप पैच लिया, विकेट के मिड विकेट है फाइन नेट और मिड विकेट बाउंड्री खिलाड़ी पर यह गेंद बेहतरीन शॉट और क्या शानदार शॉट है। घुटने को नीचे लाया, सीधा गेंद को सीधे बल्ले से खेल के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक लंबा छक्का आया पे अर्जित करते हुए आपको जो दिन के ठीक 12 बजे से इस मैच को आरंभ कर दिया जाएगा। यह गेंद अच्छी गेंद और बेहतरीन शॉट, कवर बाउंड्री के ऊपर से और छक्का आता हुआ रवि के बल्ले से। हैट्रिक मारते हैं तो इनको मिला गेंद को कट कर दिया है, गेंद सीधे स्क्वायर कॉर्नर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, चौके की मदद से स्कोर का पहुंचा 70 रन। इस मैच में मैन ऑफ द मैच होगा खुशी ज्वेलर्स की तरफ से, चांदी का सिक्का दिया जाएगा। इस गेंद को लॉस किया है, शानदार स्ट्रोक, गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। वाटोग लगाया बल्लेबाज पर मैच मैन ऑफ द मैच रखा गया है। इस बीच ये गेंद को कट कर दिया, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन रोक नहीं सकेंगे और गेंद एक बार फिर से स्टैंड थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस ग्राउंड में आने वाली है दर्शकों से गुजारिश है कि भारी से भारी संख्या में आए। इस बीच एक बार फिर से पिछली गेंद तो कोई रन नहीं और यह मैडन ओवर समाप्त हुआ, जरा तालियों से स्वागत करें इस मैडन ओवर का, शानदार गेंदबाजी। सफल हुए और इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 82 रनों के कुल युग पे, जबकि 9वें ओवर का खेल समाप्त हुआ है, अभी चल रहा है 9वें ओवर का खेल, अभी प्रगति पर है। गेंदबाज है धीरे, पिछली जो गेंद थी ऑप्शन के चला सी बाहर थी, चले और इस बार इसके अपने नाम के रूप बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पे फाइनल बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। लीग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद पे घूम कर खेल दिया गेंद सीधे स्कोर पर पहुंचकर 89 रन को विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बुमराह चले और इस बार ये गेंद और क्या करा रहा है, शॉट खेला है वन बाउंस के बाद गेंद स्क्वायर थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक। इस गेंद को बॉलर खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा है विकेट कीपर पीछे और इस तरीके से 47 रनों के निजी योग से अप्पू का विकेट जाता हुआ। एक बार फिर से ये गेंद ऑफ सिस्टम के बाहर थी, ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज अप्पू, किनारा लगा ये गेंद और गेंद को फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, खिलाड़ी उसको दौड़ रहे हैं लेकिन रोक नहीं सकेंगे और गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद को खेल दिया है वहां पर और गेंद दंडराती हुई सीमा रेखा के बाहर रखा गया है जो विनिंग स्पॉट लगाएगा। ये गेंद और तीन पहले स्पॉट हो गए सरफराज, गेंद और फसल के बाहर थी, ऑफ साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते ये गेंद और गेंद को पकड़ किया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर रन बाउंस के बाद 4 रनों के लिए, महज 3 रन दूर। स्क्वाड थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर चली गई थी। एक बार फिर से चले गेंदबाज और इस बार इस गेंद को खेल दिया वहां पर और
गेंद जीत लिया भाई। अब देख सकते हैं सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इसी तरीके से छक्का लगाकर इस मैच को विजय श्री दिलवाया है प्रफुल ने और 500 रुपए के हकदार।